दोस्तों, कल एक बंपर सरकारी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। बिल्कुल 100% गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। 6000 पद हैं। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस इनका आज से शुरू हो गया है, जो कि 10/11/2022 तक जारी रहेगा। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। कहाँ से रिक्रूटमेंट आ रही है, कौन कौन इनके लिए एलिजिबल है, कहाँ कैसे जाके आपको इनके लिए आवेदन करना होगा, क्या एप्लीकेशन फीस है और क्या एज लिमिट इनके लिए निर्धारित की गई है। ये देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। पदों का विवरण देखिए, ये तो फ्रेश वैकेंसी है और ये बैकलॉग की है। बैकलॉग की 2994 वैकेंसियां थी और फ्रेश पोस्ट ये यहाँ ऐड की गई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप वैकेंसियां देख सकते हैं। कुल जो पदों की संख्या है वो है 5994, लगभग 6000 ही पद हैं। नई फ्रेश वैकेंसियां इनमें 3000 हैं, 2994 बैकलॉग की हैं। तो कुल 5994 पदों के लिए बड़ी ही अच्छी टीचर्स रिक्रूटमेंट आ गई है। इनके लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो कम से कम 50% अंकों के साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और 45% अंकों के साथ आपने कर रखे हो ग्रेजुएशन अगर आप शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं। उसी के साथ साथ 2 साल का एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग में कोर्स कर रखा हो और 2 ईयर डिप्लोमा या फिर 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो। इसी के साथ साथ अगर आपने 10+2 कर रखी है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10+2 के बाद 2 साल का एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने कर रखा है, मतलब ईटीटी अगर आपने 10+2 बेस पे कर रखी है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, 10+2 वाले भी आवेदन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद ईटीटी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपका पीएसटेट का पेपर 1 भी क्लियर होना आवश्यक है। अब आपके काफी सारे कमेंट आएंगे, क्या पंजाबी जरूरी है, क्या पंजाब से 10th या 12th की होनी जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपका सीरियल नंबर 3 है, आपका पीएसटेट का पेपर 1 क्लियर है तो ही आप एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपके काम की रिक्रूटमेंट नहीं है, आप भूल जाइए फिर कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। मतलब ये मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ही अगर आपके पास नहीं है तो आगे फिर कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। और जहां तक एज लिमिट की बात है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 37 साल इनके लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग 1000 और 500 रुपये यहाँ आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी। पंजाब में रिक्रूटमेंट है तो ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन पंजाबी भाषा में ही आया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एलिजिबिलिटी वगैरह मैंने आपको बता दी है। और ये देखिए दोस्तों, आवेदन करने की अंतिम तिथि 10/11/2022 शाम 5 बजे तक है। तो ये रिक्रूटमेंट आ रही है एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब की तरफ से, educationrecruitmentboard.com ऑफिशियल वेबसाइट पे ही। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर द 5994 पोस्ट ऑफ ईटीटी टीचर्स, आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस प्रकार से डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। और यहीं पे आज से ही इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जल्द ही लिंक हमें देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।